हे दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों तो दोस्तों छठ पूजा का दिन था, तो छठ पूजा के शाम के टाइम पे हम लोग रेडी सेडी हो के घर से निकल दिए थे, क्योंकि जहाँ पे छठ माता बनती है वहाँ पे हम लोग को जाना था। तो ग्रुप मतलब बहुत सारे लोग थे, तो हम सबसे पीछे चल रहे थे, क्योंकि हमको वीडियो भी बनाना था और थोड़े गाँव के हैं तो थोड़ा मतलब सबको कहते हैं ये वीडियो क्या बना रही, क्या कर रही हैं, इसलिए सबसे अलग होकर भी थोड़ा वीडियो बना रहे थे दोस्तों। और पीछे हम लोग दोस्तों देख रहे थे पुल की साइड, जो पुराने और पुल है उसकी वजह से जा रहे थे, और यहाँ पे देख रहे हैं मतलब पुलिस वाले लोग हैं, और ये शायद दमकल की गाड़ी है जो आग बुझाने वाली होती है, मतलब पूरे नहीं पता बस शायद। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, बोलिए जी हनुमान जी। उसके बाद साइड से इधर आप जाएंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले बैठे हैं, और माता जी को जय करिए, छठ माता बनी है। और अभी देखिए बहुत ही कम भीड़ है, हम आपको दिखा रहे हैं जब हम लोग पहुँचे वहाँ पर तो बहुत ही कम भीड़ थी, और उसके बाद आपको दिखाएंगे कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो देख सकते हैं कि सभी लोग पहुंच के और छठ माता की पूजा वूजा कर रहे हैं, जो भी सबको करना है वो कर रहे हैं, मतलब गन्ना लगा रहे हैं, देख सकते हैं साइड में। और हमारे यहाँ बासी कुछ इस तरीके से सजा होता है कि देखिए दोस्तों, हम लोग माता जी का दर्शन किए, क्योंकि हम लोग को फल लेना था, तो हम और भाभी चली गई थी फल लेने के लिए, फिर जल्दी से फल लेकर आए। फिर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, कि उसके पहले तो आराम से चले गए थे, चले आए थे, फिर सोच रहे थे किधर से जाएँ किधर से जाएँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा शाम भी हो गया। हमारे वहाँ बासी में छठ पूजा का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। अब जगह जगह पे देख सकते हैं बहुत सारे पुलिस मतलब लगे हुए हैं साइड में, निगरानी करने के लिए कोई किसी को कुछ दिक्कत ना हो, अलाउंस भी हो रहा था पूरा। और वहाँ पे देख सकते हैं गोताखोर लोग लगे हैं, मतलब पानी में कुछ डूब ना पाए, ना तो साइड साइड से गोताखोर भी लगे, नाई भी था, बहुत सारी मतलब हर तरह की व्यवस्था रहती है। देख सकते हैं कि शाम हो गया था, फिर सब लोग निकल रहे थे पानी में से निकल रहे थे, पूजा हो गया था, और सब लोग अपने अपने मतलब जहाँ पे पूजा कर रहे थे वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्रोन उड़ रहा है, हम लोग ड्रोन को हाय हेलो भी बोल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी लोग अपने आप सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे मतलब अपने ग्रुप में जो भी जहाँ सब लोग बैठे हैं पूजा कर रहे हैं वहाँ पे अपना बात कर रहे हैं। और यहाँ पे देख लीजिए आप कैमरे की नज़र में है, यहाँ पे भी टेंट वेंट लगी है, व्यवस्था है कि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो वहाँ पे संपर्क करिए। यहाँ पे देखिए सब लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, और हम जा जाके वीडियो बना रहे थे, क्योंकि हमको वीडियो अपलोड करना था, तो हमको दिखाना था कि हम कहाँ कहाँ गए हैं, कहाँ कहाँ नहीं, तो पूरा दोस्तों बता सकते हैं कि हम छठ पूजा के दिन कैसे लग रहे थे। तो दोस्तों छठ पूजा के दिन भी बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, चलिए मान लेंगे कोई अभी जाने की कोशिश भी नहीं करेगा।
गया था, उसके बाद सभी लोग छठ माता का जय करके घर के लिए निकल दिए थे हम लोग। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रात हो गया था, भीड़ हो गई, बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो गई थी, सब लोग अपने घर के लिए निकल रहे थे, तो हम लोग भी अपने घर के लिए निकल दिए दोस्तों। और दोस्तों घर जाने के बाद क्या दिखता है कि हमारे घर के बाहर कोई कुछ करके फेंक दिया एक छठ माता की।